सबका तहे दिल से शुक्रिया। और यहाँ सामने जो भी हमारी बहनें भाई चचा बाप जो भी लोग यहाँ मौजूद हैं उन सभी को मेरे तरफ से दिली इस्तकबाल कि आप मुझे सुनने आए हैं या मैं आपसे कुछ कहने आया हूँ। सवाल ये है कि नगर पंचायत भारतीय का गठन सन 1913 में हुआ और 13 के बाद दो नगर पंचायतों का उदय हुआ था, एक कानपुर देहात की और दूसरी भारतगंज। कानपुर देहात के बारे में सुना होगा, वो नगर पंचायत से शहर हो चुका है और भारतगंज नगर पंचायत से ग्राम सभा से भी खराब हो गया है। हम लोग गलत रास्ते पे गलत ट्रैक पे चल रहे हैं। हमने अपनों को बनाने के चक्कर में अपने बच्चों के भविष्य को खराब कर दिया है। यहाँ इस भारत देश के अंदर में किसी जमाने में छापाई का बहुत बड़ा कारखाना हुआ करता था, आप सोचिए कि आज वो काम यहाँ बंद हो चुका है। यहाँ का आदमी प्रदेश जाता है, दिल्ली जाता है, मुंबई जाता है, हर जगह जाता है काम करने के लिए, और काम करके जो धन दौलत कमा के लाता है उससे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए एक स्कूल की भी आवश्यकता इस भारत में पूरी नहीं कर सके। यहाँ को हुक्मराना यहाँ के रहनुमाओं ने सिर्फ अपनी ताकत अपने वजूद अपने घमंड के लिए राजनीति की है, अपने अपने खास लोगों के लिए राजनीति की है। अगर यहाँ के लोगों ने किसी एक खास बिरादरी को भी तवज्जो दी होती तो कम से कम यहाँ पर साक्षरता पढ़ाई लिखाई का स्तर ऊंचा होता, ऐसा नहीं किया उन्होंने। यहाँ से जो लोग बाहर निकले वो तो कामयाब हो गए लेकिन यहाँ के रहने वाले लोग कामयाब नहीं हो सके। आप सोचिए कि हमारे साथ कहाँ धोखा हुआ है। हम आप सिर्फ जात पात पे पड़ गए। हमें कभी बताया गया कि वो हिंदू है, कभी बताया गया वो मुसलमान है। आप सोचिए हिंदू मुसलमान के बाद अब मुसलमान में भी कौन मुसलमान है। स्थिति काफी खराब होती जा रही है। अगर हम अपने बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोचेंगे तो ये याद रखिएगा हमारा मुस्तकबिल हमेशा अंधेरे में रहेगा। कुछ लोग अपने फायदे के लिए आपको बिरादरी की जात की रिश्तेदारी की दुहाई तो देंगे, उनसे पूछिए कि आप अगले 5 साल में जब सत्ता में थे तो क्या आपने 5 लोगों की भी मदद की है। उनसे पूछिए इस नगर पंचायत की तमाम गलियां बजबजा रही हैं, रोड नाली के अंदर समा गई है, पानी की किल्लत गरीबों को है, आवास में भी घोटाले तमाम तरीके हो गए हैं, पात्रों को आवास नहीं मिल पाया, क्या उन लोगों ने मदद किया। सिर्फ अपनी जरूरत पूरी करने के लिए आज 4 लोग आएंगे और आपसे बताएंगे वो हिंदू है, वो मुसलमान है, तो हमारे रिश्तेदार हो, ऐसा कुछ नहीं है। जब कस्बे का विकास होगा, नगर का विकास होगा तो सर्व समाज का विकास होगा। उस विकास में किसी जात का बंधन नहीं होगा कि हिंदू का होगा कि मुसलमान का होगा। जब कस्बे का विकास होगा तो भारत में 17,500 मतदाता और इस भारत में सभी नगरवासियों का विकास होगा। आप मेरा सहयोग इस नियत से करिए कि 5 साल में कुछ होगा नहीं, चेक कर लेते हैं, चेक करने की नियत से करिए। अगर 5 साल में कुछ नहीं होगा तो फिर अगले 5 साल में वोट डालने का नंबर आएगा। लेकिन 5 साल चेंज करिए। अगर हम आप नौजवान साथी चेंज नहीं करेंगे तो हमारे आने वाले जो भविष्य के बच्चे हैं उनका जीवन, उनकी जिंदगी, उनका सफर अंधेरे में हो जाएगा। इसलिए मैं अपने यहाँ अपने बहनों भाइयों से चचाओं से खैर गुजारिश करूंगा। इंतजार है हमारी कि आप लोगों से जाकर घर पे एक बार सबसे कहिए, बहने भाई से कहे, माँ बेटे से कहे, बेटा बाप से कहे कि इस बार नगर के विकास के लिए चुनाव किया जाए, वोट नगर के विकास के लिए दिया जाए। अगली बार फिर देख लेंगे, अगर नहीं सही होगा तो बदल देंगे।
हमेशा बात तो हमने आप लोग की मानी है, अब की बार आपने हमारी बात मान ले। 50 साल जरिए से रिटायर नहीं होता है, बर्बाद हो गए हम। हमारे आगे का सिरसा नगर पंचायत आज पढ़ाई लिखाई से लेकर हर चीज में हमसे बेहतर है। आपको राव भी जाते होंगे, 10 साल पहले कुराव को आपने देखा होगा, 15 साल पहले कुराव को देखा होगा, आज का कुराव आप देख लीजिए और अपने आप को देख लीजिए। हमारे यहाँ बेरोजगारी का स्तर बढ़ता जा रहा है क्योंकि हम सिर्फ जात पात पे बढ़ते जा रहे हैं। जब विकास होगा तो हर जात के सहयोग से ही होगा, किसी जात को काट के विकास नहीं हो सकता, इस बात को आप जान लीजिए। इसलिए मेरी गुजारिश है आप सभी से कि अल्लाह के वास्ते एक बार अपना दिल और दिमाग नगर पंचायत के विकास के लिए लगाइए। अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। हमारा नजरिया, हमारी सोच हमने एक घोषणा पत्र में आप लोगों के सामने पेश कर दिया है, आप उसको पढ़िए। हमारी मूल चीजें हैं, मूल अधिकार है हमको, पानी बिजली रोड नाली सबसे पहले चलेगी। आप सोचिए, हम नाली का गंदा पानी पी रहे हैं, साफ पानी नहीं आता है, कस्बे के 40% लोग के नल की चोटियों से रोज पानी नहीं आता है, और जहां रोड है उस रोड की स्थिति बहुत खराब है, और पानी का बिल लेने के लिए कर्मचारी रोज आता है। पैसा दो, पैसा कब दोगे? तो हमने एक चीज सोचा है कि सबसे पहले नगर पंचायत की जनता को एक सीधा लाभ मुझसे तो हो ही जाना चाहिए। नगर पंचायत भारत देश की सरल 17,000 मतदाताओं की इस बस्ती के जितने भी कनेक्शन धारक है पानी की, उन सब का पेयजल 30 मई 2023 तक मेरे शपथ के लास्ट महीने की तारीख तक का मैं अपने जेब से पैसा जमा करूंगा, और उसके बाद मेरी कोशिश है कि मैं 45 दिन के अंदर, मैं सभा इस मंच पे करके जा रहा हूँ कि मैं 45 दिन के अंदर, चाहे सरकार का बजट आए या ना आए, मैं अपनी जेब से इस नगर पंचायत पे पानी की व्यवस्था दुरुस्त कर दूंगा, तब आप हर महीने बिल दीजिए। इसलिए आपसे गुजारिश है कि 4 मई को जेब के चुनाव चिन्ह पे भारी से भारी मतों से अपना वोट देकर उसे विजय बनाए, ताकि इस जनपद के अंदर ये नाम हो कि नगर पंचायत के लोगों ने जात पात पे नहीं विकास के नाम पर वोट दिया। और मैं भी शासन में ये कह सकूं कि हमारी जनता विकास चाहती है, हमारे नगर के वासी विकास चाहते हैं, हमारे नगर वासी अच्छा स्कूल चाहते हैं, हॉस्पिटल चाहते हैं, दैनिक सुविधाएं चाहते हैं। इसलिए गुजारिश है आप लोगों से कि आप लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें कामयाबी दे, और 4 तारीख को जीप के चुनाव चिन्ह पे, 4 नंबर पे है जीप का चुनाव चिन्ह, उस पे अपना मुहर लगाकर भारी मतों से विजय बनाए। शुक्रिया। इस चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले। धन्यवाद।